नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार समाचार। आज है 2 सितंबर 2019। आज हम जानेंगे आज की ताज़ा खबरों के बारे में। लेकिन इन ताज़ा खबरों को जानने के पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को जब भी दबाएं तो ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए आज की ताज़ा खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती के संबंध में है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा गन्ना पर्यवेक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा 31 अगस्त 2019 को आयोजित की गई है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने गन्ना पर्यवेक्षक की लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। आयोग सोमवार से मंगलवार के बीच उत्तर कुंजी भी अपलोड करने की तैयारी कर रहा है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि 16,075 अभ्यर्थियों में से 8,276 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र अपलोड किए जा चुके हैं। मंगलवार तक हर हाल में उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी 10 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपको बता दें, जो परीक्षा हुई गन्ना पर्यवेक्षक की, उसमें मात्र 50% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। अगर आपको पेपर में कोई त्रुटि दिखती है कि यह प्रश्न गलत है, इसके उत्तर गलत हैं, तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं 10 सितंबर 2019 तक। आज की दूसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीएससी 2017 का अंतिम चयन परिणाम यूपीपीएससी 2018 मेंस के पहले दे पाना मुश्किल लग रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीएससी 2017 मेंस के परिणाम में हो रही देरी के साथ प्रतियोगी छात्रों की एक और मांग पूरी होने की संभावना कम होती जा रही है। प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि पीसीए 2018 मेंस से पहले पीसीए 2017 का अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया जाए। पिछले दिनों ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार जी से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी, उनसे अपनी बात रखी थी इस तर्क के साथ कि ऐसा करने से पद बर्बाद नहीं होंगे। पीसीए 2017 में चयनित होने वाले अभ्यर्थी पीसीए 2018 के मेंस में नहीं बैठेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि परीक्षा में सफल होने के बाद पद छोड़ देते हैं, जिससे पद बर्बाद हो जाते हैं। अगर ऐसा ना हो तो एक किसी अभ्यर्थी को रोजगार मिलेगी, अच्छी सर्विस मिलेगी, जो बरसों से तैयारी कर रहा है। आयोग के सूत्रों की माने तो कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है। संभावना यह जताई जा रही है कि 10 से 12 तक यूपीपीएससी 2017 के मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। चर्चा है कि अगले सप्ताह परिणाम आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पीसीए 2018 में से पहले अंतिम चयन परिणाम आ पाना मुश्किल है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित होगा उसके 15 दिन बाद ही इंटरव्यू शुरू होगा। तो आप बताइए कैसे अंतिम चयन परिणाम यूपीपीसीए 2018 में से पहले आ पाएगा। कुल पदों की संख्या 667 है 2017 में। एक पद के सापेक्ष 3 के हिसाब से अभ्यर्थी हैं लगभग 2000 इंटरव्यू के लिए सफल किए गए हैं। आज की तीसरी ताज़ा खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम के संबंध में है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर एलटी ग्रेड समर्थक मोर्चा के अभ्यर्थियों ने रविवार को फिर से खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने एक बार पहले भी मुलाकात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपकी मुलाकात हम मुख्यमंत्री से कराएंगे। फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, अब की बार जब अभ्यर्थियों ने मुलाकात की रविवार को, आश्वासन दिया है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे। अब देखिए कब मुलाकात करवाते हैं, या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं करवाए हैं, दूसरी बार आश्वासन दे रहे हैं। इसके बाद छात्रों ने सभा की और निर्णय लिया कि बुधवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार जी से मुलाकात करेंगे। अगर वह रिजल्ट जारी करते हुए सत्यापन की तिथि घोषित कर देते हैं तो आंदोलन समाप्त कर दिया जाएगा, वरना बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ रवाना होंगे। आज की चौथी ताज़ा खबर रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की है। रेलवे भर्ती बोर्ड प्रयागराज की ओर से असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण 1 सितंबर 2019 को पूरा हो गया है।
28 अगस्त से शुरू हुई इस परीक्षा में कुल 19,656 अभ्यर्थी शामिल हुए। इस तरह से पिछले 5 दिनों में कुल 90.48% अभ्यर्थियों ने लोको पायलट की परीक्षा दी। रविवार को परीक्षा प्रयागराज की ओर से कानपुर के कुल 13 केंद्रों पर हुई थी। पहला शिफ्ट 12 बजे से और दूसरा शिफ्ट 3 बजे से शुरू हुआ था। आज की पांचवी ताज़ा खबर पैरामेडिकल कोर्स की सीटों को लेकर है। अब प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पैरामेडिकल कोर्स की सीटों पर भी समान वर्ग के गरीब अभ्यर्थियों को भर्ती में 10% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए 16 राज्य के मेडिकल कॉलेजों की पैरामेडिकल कोर्स की सीटों में 10% सीटें बढ़ाने के स्टेट मेडिकल फैकल्टी के प्रस्ताव को राज्य सरकार मंजूरी देने जा रही है। इसमें KGMU और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान भी शामिल है। प्रमुख 3 कोर्स एक्सरे, रेडियोथेरेपी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन में 1275 सीटें बढ़ जाएंगी। आपको बता दें, अब जो सामान्य वर्ग के गरीब अभ्यर्थी हैं जो 10% आरक्षण के अंतर्गत आएंगे उन्हें लाभ जरूर मिलेगा।